नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद अब राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इन तीन दलों की नई सरकार कैसी होगी, इसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, जबकि दूसरा एनसीपी का होगा। वहीं उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट और एनसीपी के जयंत पाटिल उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के महज 3 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया। उनके साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अपना पद छोड़ दिया। इस्तीफा देने से पहले देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और इस्तीफे की घोषणा करने के बाद सीधे राजभवन जाकर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होगी और जवाबदेह विपक्ष के तौर पर काम करेगी। फडणवीस ने कहा कि जो भी सरकार बनाएगा उसे शुभकामनाएं, लेकिन शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तीन पहियों वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी के विधायक कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर बुधवार को सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने बुधवार सुबह 8 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बहुमत का जादुई आंकड़ा 145 पार कर लिया था, लेकिन सरकार बनने से पहले ही शिवसेना ने बीजेपी के सामने 50-50 फॉर्मूले की मांग रख दी, जिसके मुताबिक दोनों ही दलों को 2.5-2.5 साल के सरकार चलाने का मॉडल था। शिवसेना का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी के साथ इसी फॉर्मूले पर समझौता हुआ था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। इसको लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद बढ़ता चला गया और नतीजा ये हुआ कि 30 साल पुरानी दोनों दलों की दोस्ती टूट गई। इसके बाद सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। तीनों दल मिलकर सरकार बनाने ही वाले थे कि शनिवार को अचानक ही एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, जबकि अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, लेकिन मंगलवार को पूरी तस्वीर बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।